दोस्तों आज मैं ऐसे वीडियो ऐसे सब्जेक्ट की बात करूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, उसका बहुत ज़रूरी है, आप लोग के लिए स्पेशली मैं लाया हूं दोस्तों। वो है एटीट्यूड यानी नज़रिया। नज़रिया सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा दोस्तों। नज़रिया क्या होता है? आप जो सोचते हो, आप जो बात करते हो, जो आप करते हो, वही नज़रिया होता है दोस्तों। एक दो प्रकार की नज़रिया होती है, नेगेटिव नज़रिया और एक पॉजिटिव नज़रिया। सकारात्मक सोच हमेशा रखना चाहिए दोस्तों। आप विपरीत से विपरीत स्थिति में भी रहो, लेकिन अपना सोच है, नज़रिया है, उसको एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक सोचिए दोस्तों ज़िंदगी में। एक ही चीज़ के बारे में आप 10 तरीका से आपका व्यू आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो होता है नज़रिया। एक बात मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जो स्टोरी है उसके माध्यम से। एक मुर्गी था, उसका बच्चा मतलब मुर्गी जैसे गाँव में था, एक मुर्गी चल रहा था अपनी स्थिति से, और अंडा जैसे ही वो अंडा दिया सह रहा था, तो बाज का पक्षी उसको सह रहा था, उस घोंसला में जा करके अंडा दे के चल दिया वो बाज का पक्षी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद जो मुर्गी था वो जो सहते गया, उसका समय आया, अब एक दिन अंडा फूटा वहाँ से फोड़ा उसको, तो क्या है कि छोटा चूजा निकला, और बाज पक्षी का जो ये बच्चा दिया था वो भी फट उसी अंडा से निकला। वो एक मुर्गी का जो छोटे बच्चा थे, चूजा था, उसी तरीके से उसका छोटे चूजा चलते थे, फिरते थे, जो उसका था उसी तरीके से वो चलते रहता था ज़िंदगी। एक दिन क्या हुआ, एक बाज पक्षी आसमान में एक राजा राजदूत की तरह, पक्षी का राजदूत की तरह एकदम शान से उड़ रहा था दोस्तों बाज पक्षी। तो जो बाज पक्षी का छोटा सा चूजा था, वो मुर्गी के बच्चा से जो उसके संगति में था, उसी के साथ पैदा हुआ था। उसके ये जो बाज का पक्षी था वो पूछा अपने माँ से, ये मुर्गी माँ से पूछा कि मम्मी ये जो पक्षी आसमान में उड़ रहा है वो कौन सा है, बहुत ही शांत के साथ उड़ रहा है। तो मुर्गी का माँ था वो बताया कि बेटा देखो, कहते ये पक्षियों का राजा है राजदूत, बाज पक्षी है, वो आसमान में उड़ सकता है, लेकिन हम लोग में ऐसा काबिलियत नहीं है बेटा, हम कभी नहीं उड़ सकते इस तरीके से, है ना। तो बाज का पक्षी का बच्चा वैसा सुना, और मुर्गी के बच्चे जैसा पला बढ़ा और मरा भी वैसे, जबकि बाज का पक्षी का बच्चा विजेता बनने के लिए और बड़ा बनने के लिए बाज के पक्षी की तरह उड़ने के लिए बना था दोस्तों, लेकिन उसके माहौल, उसकी आदत और नज़रिया, दूर की न सोचने की वजह से, दूर दृष्टि न सोचने की वजह से और सही माहौल न मिलने की वजह से वो मुर्गी की बच्चा की तरह पला बढ़ाव एक दिन मरा दोस्तों। हमारे ज़िंदगी में भी वैसा होता है कि हम जो लक्ष्य नहीं बनाते हैं, हम लोग दूरदृष्टि नहीं रखते हैं, विज़न जो दूरदृष्टि का सक्सेसफुल का उसका विज़न नहीं रहते हैं, हमारा जो छोटा लोग के साथ में रात दिन हम लोग रहते हैं, जो कि आपको गलत रास्ता में भटका दे, जो बनना चाहते हैं, जो सक्सेस बनना चाहते हैं उस रास्ता में नहीं जाने देते हैं आपके फ्रेंड चाहे जो भी रहते हैं, और छोटा सोच करके और छोटा हो जाते हैं लाइफ में। अब एक दिन हम विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे माहौल और आदत और जो भी है ये गलत हैबिट या आदत की वजह से हम लोग एकदम गरीबी में जीते हैं, एक दिन मरते हैं, जबकि हमको ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति ने हमको भेजा ही स्पेशल बना के, जो कि अरबों खरबों में हम यूनिक हैं, स्पेशल क्वालिटी है दोस्तों। लेकिन हम लोग गलत सोचने की वजह से हमारा नज़रिया उस पहल के नहीं हो पाता, इसीलिए हमेशा गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी ऑलवेज द पॉजिटिव एंड अ गुड पर्सनालिटी ऑलवेज हमेशा जो भी है उसमें अच्छा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। अब एकदम बेहतरीन सोच करके आप सफलपूर्वक होकर के एकदम बेहतरीन ज़िंदगी जिए। आप एक ही चीज़ के बारे में मान लीजिए, आपके बारे में बात करूँगा दोस्तों, एक डाग होता है, डाग के बारे में अलग अलग नज़रिया होता है। चाहे आप किसी, आप बस में आप जाते हो, बस में बैठते हो आप यात्री, एक खूबसूरत लड़की को आप देखो, आप कोई भी पर्सन एक बहन की दृष्टि से देखेगा, एक प्रेमिका की दृष्टि से देखेगा, एक गाइडेंस की दृष्टि से देखेगा, अलग अलग नज़रिया होता है। तो अच्छा नज़रिया से देखो, हर गलत परिस्थिति में आप अंधेरा में रहते हुए भी उज्ज्वला के बारे में आप सोचो। अगर आप दोस्तों ज़िंदगी में, अगर आप चांद पर भी देखो तो चांद में एक सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन उसमें भी आपको हर इंसान में खास खूबी और क्वालिटी होता है ईश्वर ने, लेकिन आप उसका अच्छाई को देखो और उसका जो नेगेटिव पक्ष है उसको नहीं देखो, क्योंकि हर इंसान में खास क्वालिटी होता है और सिर्फ खास क्वालिटी को ही देखना चाहिए। गलत हो, भगवान ने अंधेरा और रात हर चीज़ के दिया है, पूरा पश्चिम है, दिन रात है, सफलता
असफलता सफलता है, दिन रात है, दुख है, निराशा है, सफलता है असफलता, सब कुछ एक दूसरे का है। इस तरीके से आपके नज़रिया के बारे में आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, खुशियों से आपका भरा हो जिंदगी में। परमान रजवाड़े मेरा नाम है और मेरा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, परमान रजवाड़े मोटिवेशनल, सब्सक्राइब करके बताइएगा और बहुत सारा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपका जैसा भी रहेगा, हम जैसे भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ अपना वाणी बंद करूंगा दोस्तों।